मित्रों नमस्कार। कवि परिचय की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए आज के कवि हैं महाकवि भर्तृहरि। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक, विक्रमादित्य के बड़े भाई। मित्रों ये विक्रमादित्य जो कि राजा थे, इनके बड़े भाई। अर्थात यदि विक्रमादित्य राजा ना होते तो भर्तृहरि राजा बनते, लेकिन इन्होंने राज्य का परित्याग किया और जो है एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार से विक्रमादित्य के बड़े भाई और ये विक्रम संवत के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। अगला, इनकी पत्नी का नाम पिंगला, गुरु थे गोरखनाथ और वसुरात। बौद्ध मत में इनके गुरु का नाम वसुरात मिलता है और वास्तव में इनके गुरु का नाम क्या, गोरखनाथ। तो ये दो गुरु इनके माने जा सकते हैं। आगे देखते हैं, भाई अर्थात इनके छोटे भाई, अनुज का तात्पर्य होता छोटा भाई। विक्रमादित्य पहले बता चुके हैं, विक्रमादित्य के ये बड़े भाई थे तो विक्रमादित्य इनके छोटे भाई हुए। अगला क्वेश्चन, पिता भर्तृहरि के पिता गंधर्व सेन मालवदेश के राजा, ये मालवदेश के राजा थे। इत्सिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। अगला सवाल, भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व अथवा 575 ईस्वी से 650 ईस्वी, ये दोनों अलग अलग मत हैं। अगला सवाल देखते हैं, भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण, वैदर्भी रीति प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। अगला सवाल, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि को माना जाता है। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि को माना जाता है। भर्तृहरि के प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, ये दोनों भर्तृहरि के प्रिय छंद हैं। इनकी मृत्यु 650 ईस्वी चीनी यात्री स्थिति के अनुसार। अगला सवाल, इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं, वाक्यपदीयम ये व्याकरण ग्रंथ है, नीति शतकम ये मुक्तक काव्य है इसमें 111 श्लोक हैं, श्रृंगार शतकम ये भी मुक्तक काव्य है इसमें 103 श्लोक हैं, आगे है वैराग्य शतकम ये भी मुक्तक काव्य है इसमें 111 श्लोक हैं। आइए आगे चलते हैं, महाकवि बाणभट्ट। बाणभट्ट इनका वंश वृक्ष देख लेते हैं, एक बाणभट्ट के पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर ऐसे कैसे इनका वंश वृक्ष चला, तो आइए देख लेते हैं एक दृष्टि में। बाणभट्ट के पुत्र का नाम वत्स, इनके पुत्र कुबेर, कर्मकांडी शुद्धिशास्त्र संपन्न ब्राह्मण, इनके पुत्र पाशुपत, इनके पुत्र अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र हुए, इनके 11 पुत्र हुए। आगे देखिए, इनके बाद चित्रभानु आते हैं, फिर चित्रभानु के पुत्र का नाम बाणभट्ट, जो कि हमारे महाकवि बाणभट्ट जी हैं, अर्थात इनके पिता का नाम क्या था, चित्रभानु था। बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट, इन्हें पुलिंद भट्ट या पुरिन भट्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं निवास स्थान, इनका निवास सोण नदी के पास, जिसको सोन नदी कहते हैं, प्रीतकूट नामक ग्राम है, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में पड़ता है। बिहार, ये आरा जिला है बिहार का, वर्तमान में ये स्थान कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, वो भी आरा जिला। उस समय सोन नदी के पास ये प्रीतकूट नामक गांव था, आज जो है ये बिहार के आरा जिला में पड़ता है। आगे देखते हैं, राजाश्रय हर्ष, यही सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। इनके पितामह अर्थपति, जैसा कि हमने आपको पहले वंशवृक्ष बता दिया है, पिता चित्रभानु,
माता राजदेवी, पत्नी मयूर भट्ट की बहन, इनके पुत्र भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिन भट्ट, बहन मालती, बाण भट्ट के दो भाई चित्रसेन और मित्रसेन। बाण भट्ट के दोनों भाई हैं चित्रसेन और मित्रसेन। आगे देखते हैं, बाण ने स्वयं हर्षचर्चम के प्रथम तीन उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। कादम्बरी के प्रस्तावना पद्यों में अपना परिचय बाणभट्ट में स्वयं दिया है, हर्षचर्चम में दिया है तीन उच्छ्वासों में। इससे इनके जो है स्थित काल में कोई संदेह नहीं है। आइए आगे चलते हैं। वंश गोत्र, बाणभट्ट का वंश गोत्र वत्स्यायन वंश ब्राह्मण, वत्स ब्राह्मण यानी ये वत्स वंशीय ब्राह्मण थे। उपासक भगवान शिव के। बाण की रीति पांचाली, पांचाली रीति के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं महाकवि बाणभट्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास, 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हुआ। राजा हर्ष ने इन्हें महानम, राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगा, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, महानयम भुजंगा, महानयम भुजंगा अर्थात बहुत चरित्र भ्रष्ट, इसका अर्थ होता है कहा है। राज्याभिषेक, राजा हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। हेमसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। आगे देखते हैं, बाण का विवाह यानी बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट, इन्होंने सूर्य शतक की रचना की है। इनके बारे में किंवदंती है, कहानी है कि इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और भगवान सूर्य की उपासना में इन्होंने सूर्य शतक की रचना की जिससे इनका जो है कुष्ठ रोग वो दूर हुआ था। तो मयूर भट्ट की बहन से हुआ था। ये देख लेते हैं, इसमें तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है थोड़ा थोड़ा। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। बाण की रचनाएं, कादम्बरी ये कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी सत्कम ये मुक्तक है, मुकुटताड़ितक ये नाटक है, पार्वती परिणय ये भी नाटक है। अर्थात ये पांच प्रमाणिक रचनाएं जो है ये बाणभट्ट की मानी जाती हैं। कौन कौन? कादम्बरी, हर्षचरितम, कादम्बरी हर्षचरितम, चंडी शतक, मुकुटताड़ितक, पार्वती परिणय, इस पांच प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। हर्षवर्धन के चचेरे भाई, हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुंचे थे। किसके दरबार में? राजा हर्ष के दरबार में पहुंचे थे। तो बाणभट्ट का परिचय और भर्तृहरि का परिचय इस छोटे से वीडियो में हुआ है। अगले कवि के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।